प्यारे बच्चों, आर्ट की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम एक नया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन है बच्चों, आम का चित्र जो है दो पत्तियों के साथ में या पत्ती के साथ में आम का चित्र बनाना। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में जो है कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको शेडिंग भी करना है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं शेडिंग पेंसिल्स की। तो वैसे तो सारी पेंसिल्स जो है शेडिंग की अच्छी होती हैं, पर मुझे स्पेशली आर्ट लाइन की पेंसिल ठीक लगती है। तो आर्ट लाइन की पेंसिल आप ले सकते हैं शेडिंग के लिए। ये बच्चों 6 पेंसिल का सेट होता है, जिसमें 6 पेंसिल्स आती हैं। और यहाँ पर देखिए 6 पेंसिल्स जो हैं, तो इस प्रकार से बच्चों ये 6 पेंसिल का सेट है, जिसमें 6 पेंसिल जो रहेंगी उसमें नोक की मोटाई पतली मोटी रहती है। और यहाँ इनका क्रम भी इसी तरीके से रहेगा, इनका नाम जो है HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पेंसिल का सेट आता है, इसको ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा आप। और इन्हीं के माध्यम से जो है आपको शेडिंग का कार्य करना है। तो शेडिंग के लिए जो है जब पेंसिल जो स्टार्ट करेंगे बच्चों जब चित्र बनाना आपको, तो चूंकि HB पेंसिल सबसे सॉफ्ट होती है, तो इसलिए HB पेंसिल, ये जो HB पेंसिल बच्चों सबसे सॉफ्ट होती है पेंसिल जनरली आपके पास जो है, हम लोग जो परचेज करते हैं पेंसिल तो उसमें HB पेंसिल ही होती है, तो वो सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। तो इसका प्रयोग करके हमको सबसे पहले क्या करना है, अपना चित्र बनाना है, मैंगो का चित्र बनाना है। तो मैंगो का चित्र बनाने के लिए जो है आप जो है गोला भी बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, केंद्र में जो है प्रकार की सहायता रख करके, और आप एक गोला बनाइए और गोले के बाद फिर थोड़ा सा जो है सेप बनाते हुए जो है ये आपको अब मैंगो का सेप जो है देना है। देख रहे हैं आप किस तरीके से, इस तरीके से अपना सेप दे सकते हैं मैंगो का। इसके बाद फिर क्या करना है बच्चों, आपको चित्र बनाने के बाद जो है सबसे आउटलाइन की आपको लगा कि हाँ चित्र बन गया है, इसके बाद जो है जैसे ये उसमें पत्ती दिया हुआ है, तो चूंकि आम की पत्तियाँ थोड़ा लंबी सी होती हैं, तो जैसी पत्ती होती हैं बच्चों सेम वैसा ही आपको चित्र बनाना है, क्योंकि बिल्कुल सेम वैसी ही पत्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्ती के उसी और पेड़ की बना दें और आम का फल रहे, तो ये ध्यान देते हुए आपको चित्र में पत्तियां वैसी ही बनानी, थोड़ा लंबी सी पत्ती बना सकते हैं हम। इसमें थोड़ा पत्ती की जो है मोटाई जो है थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये HB पेंसिल जो से जो है आप एक पहले जब बनाइएगा तो हल्के हाथ से बनाइएगा, हाथ से हल्के हाथ से बनाने के बाद जो है जब आपको लगे कि आपका पूरा शेप जो है वो सही हो गया है, वो आप उसके बाद फिर बच्चों 2B या 4B पेंसिल से जो है आप उसकी आउटलाइन जो है ये आप कर लीजिएगा कि हाँ ये मेरा शेप सही हो गया है। तो उसके बाद थोड़ा सा डार्कनेस देते हुए जो है आप इसकी जो है वो पूरी आउटलाइन अच्छे से कर लीजिएगा कि ये हमारी पेंसिल जैसे ये मान लीजिए हमने लिख कर लिया है ये, तो इस तरीके से आपका शेप जो है वो समझ में आने लगेगा, ये देखिए। ठीक है, अब सेप हमारा बन गया है, पत्ती जो है हमारी बीच में जो है पत्ती बनाएंगे जब, तो बीच में एक हल्की सी लाइन देते हुए यहाँ चारों दोनों पत्ती के दोनों तरफ जो है इस तरीके से जो उसकी रेखाएं होती हैं वो बना देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मुड़ी हुई सी पत्ती बनाई हुई है, तो उसको ध्यान दीजिएगा इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद जो है शेडिंग मेन काम आता है बच्चों शेडिंग का, कि किस तरीके से उसमें शेडिंग करनी है। तो शेडिंग करने के लिए देखिए, जब भी शेडिंग की जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा जो है ऐसे लेके पूरा भर देना है, क्योंकि शेडिंग करने के लिए जो है आपको पता हो गया होगा आप वीडियो देखते देखते कि पेंसिल को जो है इस तरीके ऐसे जैसे हम लिखने के लिए पकड़ते हैं वैसे नहीं पकड़ना, ना ही वैसे वैसे भरना है, बल्कि कैसे पकड़ना है ऐसे करके पकड़ना है पेंसिल को, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर जो है शेडिंग करना है। शेडिंग के लिए आप 2B पेंसिल, 2B हाँ ये 2B पेंसिल या 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। 2B पेंसिल के माध्यम से जो है वो आपको ऐसे रब करते हुए जो है ऐसे ये देख रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, इस तरीके से जो है आपको शेडिंग के लिए जो है इसका प्रयोग करते हुए जो है आपको करना है। और यहाँ पर शेडिंग पूरे में नहीं करना है, जो किनारे किनारे आउटलाइन है इधर पे कर दीजिए, पत्ती में भी ऐसे हल्की हल्की सी शेडिंग दे दीजिए ना, और इस तरीके से जो है वो आपको पूरी शेडिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये इस तरीके से आप अपनी पेंसिल्स की शेडिंग जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पेंसिल से शेडिंग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये देखिए अब इस तरीके से आपको अपनी पेंसिल का शेडिंग का वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेना है। और अब कंप्लीट यहाँ पे भी कर दी हमने, थोड़ी सी यहाँ पर भी कर दी इस तरीके से। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि इसमें जो है ब्लेंडिंग किस तरीके से की जाए। तो ब्लेंडिंग के लिए बच्चों अब ब्लेंडिंग टूल्स भी आते हैं, नहीं तो आप जो है जनरली कॉटन आपके घर में होगी, रुई होगी, साफ कपड़ा होगा या तो मुलायम, लेकिन यह है कि साफ होना चाहिए कपड़ा, रुई कॉटन या तो फिर नैपकिन पेपर, इसमें से कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं ब्लेंडिंग।
तो देखिए इसके लिए जैसे ये बड्स भी आते हैं, आपने देखे होंगे, अगर आपके घर में है तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम वाले दिन आप ले जा सकते हैं, नहीं तो रुई ले जाइएगा या तो फिर नैपकिन पेपर को फोल्ड करके। अब देखिए ब्लेंडिंग मेन है तो इसको जहाँ जहाँ आपने किया है, देखिए जी, अब आप एक गौर से देखिएगा बच्चों, ये यहाँ पर लाइनिंग हल्की हल्की आपको नज़र आ रही होंगी। इसको जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो इसको ध्यान से देखिए, ब्लेंडिंग के बाद जो है ये सब आपस में जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपको रब करते हुए जो है ये पूरी ब्लेंडिंग कर देनी है, ठीक है, तो इस तरीके से तब उसमें बच्चों आपको लाइनिंग नहीं दिखेगी। यही काम जो है सब में थोड़ा थोड़ा कर देना है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये जो है पत्ती सहित आम जो है बन करके तैयार हो गया है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको जो है शेडिंग करना है, पूरे में नहीं भरना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा ना, ताकि आप उसमें थोड़ा सा छाया प्रकाश भी दिखाई देता रहे। तो ऐसे आपको शेडिंग करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।